खबर लखनऊ से है, जहां अलाया अपार्टमेंट में फंसे लोगों के लिए रोबोटिक साइंटिस्ट मसीहा बने हैं। बता दें कि साइंटिस्ट मिलिंद राज की बनाई डिवाइस लोगों को निकालने में मददगार साबित हुई है। एसडीआरएफ टीम की मदद करने वाले मिलिंद राज ने बताया कि उन्होंने सिचुएशन को देखते हुए 3 घंटे में डिवाइस को बनाया और डिवाइस की मदद से बिल्डिंग में फंसे हुए लोगों तक पहुँचाया गया। आई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जिससे कि जो लोग मलबे में नीचे फंसे हुए हैं वो क्या अगर हल्का सा भी कुछ इशारा दे रहे हैं, अपने नाखून से अगर वो दीवार या छत पे भी एक बार नॉक कर दे रहे हैं हल्का सा भी, हम वो फीड निकाल लेते थे और डायरेक्शन चिन्हित कर देते थे कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ को कहाँ शुरू करना है, कौन कैसा है। जैसे कि कल हम किसी को नहीं पता था कि 3 लोग फंसे हैं। हमने स्पीकर से एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने पूछा कि कितने लोग कोई है, तो बहुत उनकी दर्द की आवाज़ आ रही थी, तो पूछा कितने लोग हैं, उन्होंने बस बोला 3। तुरंत पता लग गया 3। फिर ये पूछा कि एक पत्थर लीजिए दीवार पे मारिए ताकि हम चिन्हित करें आपका डायरेक्शन की तरह, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास दीवार नहीं है, पूरी छत मेरे ऊपर गिरी पड़ी हुई है।